पकवानों की जायका के किचन में इंडियन बेसिक इंडियन फूड रेसिपी के में हम आप लोग के एकदम हेल्दी सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू पालक की सब्जी बनाऊंगी जो बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत ही आसान बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये एक गड्ढी पालक है, उसको मैंने मोटे मोटे डंठलों को तोड़ दिया है, फिर अच्छे से वॉश कर लिया। एक उसको एक भगोने बर्तन में डाल के, भगोने में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। तुमको तो सीटी बजाने की जरूरत नहीं, पालक बहुत सॉफ्ट होते, बहुत जल्दी पक जाते हैं, 2-3 मिनट में पक जाएंगे। तो उसको गैस पे चढ़ा देंगे। तो मैंने चढ़ा दिया, अब दूसरी तरफ हम एक गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया। हाफ हाफ इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है, एक बड़ी इलायची डाल देंगे खोल के, मैंने डाल दिया। 5-6 लौंग डाल देंगे, 8-10 लहसुन कलियों को थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। अब 8-10 लहसुन की कलियों को मैंने छील के रखा वो डाल देंगे। 2-3-4 हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डालेंगे। इसमें 1 ही अदरक का टुकड़ा मैंने छोटे छोटे पीस में काट के डाल दिया, 3-4 हरी मिर्च डाल दिए। हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, रेड नहीं डालेंगे। अगर आपको डालना है तो रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। 2 हमने प्याज को रफली काट लिया है, उसको डाल लिया, भूनेंगे थोड़ा सा, भूनेंगे थोड़ा सा, भून गया। हम इसमें 2 टमाटर हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया डाल देंगे, इसको भून लिया हम। बहुत ज़्यादा हमको नहीं भूनना है। ये देखिए पालक मेरा पक गया है, अब इसको उतार देंगे। गैस बंद कर उतार दिया, मसाले को भून रहे हैं, भूंज गए हैं। बहुत ज़्यादा हमको इसको नहीं भूनना है, तब भून के इसको उतार लेंगे। पालक को हम क्या करेंगे, एकदम ठंडा पानी देखिए चिल्ड वाटर, उसमें हमने आइस क्यूब भी डाल दिया। अब इसको गर्म से निकाल के तुरंत ठंडे पानी डाल देंगे, इससे क्या पालक ज़्यादा कुक भी नहीं होंगे और उसका कलर नहीं बदलेगा। गर्म पानी पड़ा रहेगा तो पालक का कलर बदल जाएगा। अब ठंडे पानी डाल के थोड़ा देर पड़ा रहने देंगे, उसको अलग रख देंगे। गैस मैंने बंद कर दिया, देखिए मसाले भून गए हैं। उसको ठंडा करके पेस्ट बनाएंगे, मिक्सिंग जार में डाल लेंगे। अब 2 टेबल स्पून कटे हुए काजू डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो डालिए, नहीं स्किप कर दीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने पीस का पेस्ट बना लिया है। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के इसमें ऑयल डाल दिया है और आलू को मैंने क्यूब में काट लिए हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे, इससे फ्राई होने से आलू कुक हो जाएंगे, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। जैसे पालक पनीर बनाते हैं तो पनीर को फ्राई करते हैं हल्का सा, उसी तरह हम फ्राई करेंगे तो जल्दी कुक हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप लोग यदि मेरे चैनल नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए कि जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। अब गैस पे मैंने उसी कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और सब एक्स्ट्रा निकाल लिया था, उसी मैंने मसाला डाल दिया भूनने के लिए। इधर मसाले भून रहे हैं तब तक हम मिक्सी में ये पीस लेंगे। जो मेरे पालक थे उसको हमने ठंडे पानी से निकाल के पीस पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट बन गया है, अब हम मसालों की तरफ चलते हैं। देखिए मसाले थोड़ा भून गए हैं। 2 टेबल स्पून हमने धनिया डाल दिया है, 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। मसाले मेरे पहले से भुने थे, पके हुए थे, इसलिए ज़्यादा हमको फ्राई नहीं करना था, भूनना नहीं था। 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाल दिया है, 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे, सभी को मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच कसूरी मेथी। थोड़ा सा पानी डाल दिया है जिससे कि मेरे जो मसाले हैं सूखे वाले जले नहीं। देखिए मसाले अच्छे से भून गए, 2-3 मिनट भूनेंगे मसाले भून जाएंगे। गैस की फ्लेम लो रखिएगा, लो फ्लेम में ही मसालों को भूनिएगा, कभी भी हाई फ्लेम में मसालों को फ्राई मत करिए, भूनिएगा नहीं। अच्छे से भून गए क्योंकि मसाले मेरे पहले ही से पके थे। अब उसमें पिसे हुए जो पालक मैंने पीस के रखा था वो डाल दिया है, इसको भी हम 2-3 मिनट मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। 1/2 टीस्पून नमक डाला है, ऐसे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मसालों से 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। पालक पनीर तो सभी लोग बनाते हैं लेकिन रोज़ आप अपने घर में पालक पनीर नहीं बना सकते हैं, उसके साथ आलू के साथ बनाइए, एकदम वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे, इसको 1-2 मिनट भूनेंगे साथ में पालक के साथ। अब भून गया, उसमें पानी डाल देंगे। आलू पालक की सब्ज़ी बहुत पतली ग्रेवी इसके साथ अच्छी नहीं लगती है, आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो पानी और डाल लीजिए, नहीं तो इसकी थिक ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा और डालेंगे, कम लग रहा है जैसे पकने के बाद, क्योंकि पानी भी कम हो जाएगा, बस 1/2 कप से भी कम पानी हमने डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे।
और ढक के इसको हम एक उबाल आने तक पकाएंगे, थोड़ा आलू के पकने तक। देखिए ठीक हो गई, अच्छे से पक गई। एक बार छू के हम देख लेंगे, मिक्स कर लेंगे आलू को, हम देखेंगे पके हैं कि नहीं। थोड़ा सा बाकी है तो 1-2 मिनट में इसको और पकाएंगे। पहले इसमें हम मलाई डाल लेंगे, ये फ्रेश मलाई है, हाफ कटोरी है, तो हमने इसको डाल लिया, फेंट लिया था अच्छे से, इसको डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद हो डालिए, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। बहुत अच्छी पालक, एकदम पालक पनीर की तरह ही हम आलू पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको मिक्स कर लिया है, ये पक गया था, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। कैमरा बंद हो जाता है क्योंकि मैं अपने से बनाती हूँ, तो कभी कभी कैमरा ऑफ हो जाता है। मैंने बाउल में निकाल लिया, ऊपर थोड़ा सा गार्निश के लिए मलाई और डाल देंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, इसको ज़रूर बनाइएगा, खाइए, कमेंट द्वारा बताइए कैसी बनी। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।